Good morning everybody, how are you all? I hope you all are fine and doing very very good. Okay students, so what is the date today? Today is 1st of November, right? November start ho gaya hai na? Yes, and today we have a good English class. Aaj hamari kaun se subject ki class hai? Aaj hamari English ki class hai, theek hai? Aur aaj hum English mein ek naya topic padhenge. Today we are going to study a new topic in English. Okay? अच्छा, before proceeding further, पहले मुझे कौन बताएगा कि English में how many alphabets are there? हमने alphabets पढ़े हैं ना A to Z. So who is going to tell me कि English में कितने alphabets होते हैं? जल्दी से बताइए. Count करके बताइए. आपने counting सीखी है ना maths में? So count the alphabets and then tell me. So in English we have total 26 alphabets. हमारे English में कितने alphabets होते हैं? 26, right? और उसमें से we have 5 different letters. Those are different. उसमें से हमारे पास 5 जो alphabets होते हैं, वो सारे के सारे बाकी alphabets से बिल्कुल different होते हैं, ठीक है? और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वॉवल साउंड्स. क्या बोलते हैं? वॉवल्स. ओके, ठीक है. फाइव जो डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स. क्या बोलते हैं? वॉवल्स. ओके, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. एंड द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. और बाकी सारे जो बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. जेड तक हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ना, है ना? यस. और उसमें से जो हमारे फाइव मैंने अभी आपको कौन कौन से बताए जो डिफरेंट होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये जो पांच होते हैं ना, दीज आर नोन एज वॉवल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स बोलते हैं. और बाकी जो सारे अल्फाबेट्स बच जाते हैं दीज आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो यू नीड टू लर्न ऑल दी वॉवल्स. आपको सारे वॉवल्स याद करने हैं जो मैम ने आपको बताए हैं, ठीक है? ओके, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. आज हम लोग फर्स्ट वॉवल पढ़ेंगे, ठीक है, विच इज ए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट वॉवल, दैट इज ए. ओके, तो आज हम ए वॉवल साउंड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हाउ टू बी प्रोनाउंस ए वॉवल साउंड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, तो अभी मैं वन बाय वन आपको फोनिक साउंड पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आई हैव रिटन सम वर्ड्स हियर. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, दीज आर ए साउंड वर्ड्स. ये सारे ए वॉवल जो है ना उसके सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है. इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? दिस इज एम. क्या है? एम. और एम को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एम का साउंड कैसे निकलता है? म, म निकलता है ना. और उसके बाद लिखा है ए. तो ए का साउंड कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं? हाउ टू बी प्रोनाउंस ए. ए को भी प्रोनाउंस ए. ए, ए, एप्पल. ए फॉर एप्पल होता है ना. तो ए का फोनिक साउंड क्या हो जाएगा? ए. क्या हो जाएगा? ए. वेरी गुड. सो व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ ए? ए. वेरी नाइस. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? कैसे करेंगे? एम यानी कि म, म, ए, टी. और ट का साउंड क्या होगा? ट. सॉरी, टी का साउंड क्या होगा? ट. टी का साउंड क्या निकलता है? ट. कैसे बोलते हैं हम लोग? थ्री. टी फॉर थ्री. देन व्हाट इज द साउंड दैट इज कमिंग? ट. ओके, वेरी गुड. सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? म, ए, टी. मैट. कैसे बोलेंगे? म, ए, ट, यानी कि मैट. ओके, एम, ए, टी, मैट.
Everybody opened their books. सबने अपनी बुक ओपन कर ली है. Now you have to come on page number. Please open page number 40 in your books. When you will open page number 40, ऊपर क्या लिखा हुआ है? A fat cat. Right? So अभी हमने क्या पढ़ा? A vowel sound. Right? क्या पढ़ा हमने? A vowel. So how will we pronounce it? ये F है ना, F का साउंड क्या होता है? F. A का साउंड मैम ने क्या बताया था? A. T का T. तो हम क्या बोलेंगे? F, F, A, T. Fat. F, A, T. Fat. Right? और हम cat कैसे बोलेंगे? C for. C का साउंड. K. ए का ए, टी का ट, तो क ए ट कैट, क ए ट कैट. राइट, ऐसे ही आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. माय कैट इज अ फैट कैट. राइट, है ना, ये कैट देखिए फैट है ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? माय
कैट इज अ फैट कैट। और उसके आगे क्या लिखा है, माय कैट लाइक्स मिल्क, माय कैट लाइक्स मिल्क, राइट। देन माय कैट इज सैड, ओके। नेक्स्ट है आई पैट माय कैट, सो हाउ विल बी प्रोनाउंस पैट, पी का साउंड क्या होता है, प, ए का साउंड ए और टी का साउंड ट, तो प एट पैट, राइट। और कैट का कैसे बोलेंगे, क एट कैट, तो कैसे पढ़ेंगे हम, आई पैट माई कैट। अब आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन ए टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बीच में ए वॉवल साउंड फिल करके उन सारे वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो सारे बच्चे ये होमवर्क करके आएंगे एंड वर्कशीट में अपना काम कंप्लीट करके आएंगे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।